एरिया में मुझे कुछ पुरानी यादें आ गई। एक तो यहां महावीर इनक्लेव में 1997 में एक हिस्सा हुआ था या एमसीडी स्कूल के अंदर कि एक बच्चा 7-8 साल का था, पढ़ता था दूसरी क्लास में शायद, और पानी नहीं था स्कूल के अंदर, एमसीडी स्कूल में पानी नहीं था, तो वो पानी पीने के लिए बाहर आया और एक फोर व्हीलर गाड़ी ने उसको धक्का मारा, जिससे उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई वहीं पे स्पॉट पे। तो वो खबर छपी अखबार में अगले दिन। फिर अगले दिन हम कोई 4-5 वकील एमसीडी स्कूल में आए, काफी सारे अफसर भी आए हुए थे और वो कोशिश कर रहे थे वहां से जो एविडेंस थी निग्लिजेंस की उसको रिमूव करने की, लेकिन 4-5 वकील आने के बाद उनके लिए मुश्किल हो गया। और फिर हम लोगों ने हाईकोर्ट में केस किया उसको लेकर, और उसके अंदर हाईकोर्ट ने 2 लाख रुपए का ऑर्डर दिया। ये पहला केस था देश भर में, पहला केस था जहां स्कूल में इस तरीके की घटना पर कोर्ट ने ऑर्डर किया और जो लोगों की निग्लिजेंस थी उनके लिए भी इंक्वायरी करी। दूसरा ये कि जो सीतापुरी में मुझे ध्यान है कि बहुत सारे आपके जो है ना वो रिफ्यूजी, जो चीन रिफ्यूजी है बर्मा के, काफी सारे यहां रहते हैं और काफी गरीब हालत में है, और उनका उनमें से बहुत सारे लोगों का ये जो चानन देवी आपका हॉस्पिटल है इसमें खासकर डिलीवरी के केसेस उनके फ्री सैकड़ों की तादाद में कराए गए। वो ईडब्ल्यूएस जो जमीन में है, ये ईडब्ल्यूएस फैसिलिटी में उसके तहत, तो यहां बैठे बैठे मुझे याद आया कि यार तो थोड़ा पुराना जानकार इलाका है। दूसरा ये कि अभी बहुत सारे हमारे साथियों ने अपनी समस्याओं को बताया, नौजवान ने बताया नौकरी के ख्वाब देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हम लोग ख्वाब देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन वो ख्वाब पूरा होगा। अभी हमारे एक साथी ने बताया बड़ा इंटरेस्टिंग और बिल्कुल सही, मेरे ख्याल से किसी को समझ में नहीं आई वो बात, मुझे लगता है आपने ये बताया कि हरियाणा के अंदर जो सरकारी स्कूल में जाता है उसको 500 रुपये फीस देनी पड़ती है और जो प्राइवेट स्कूल में जाता है उसको 500 रुपये सरकार देती है। अब आप बड़ा ये देखिए कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन का कानून है उस कानून में लिखा है कि 14 साल तक के बच्चे को टोटली फ्री एजुकेशन मिलेगी, आप उससे पहली क्लास में ही जो है फीस दे रहे हैं, तो सीधा कानून का एक तरीके से उल्लंघन है सीधा। लेकिन मजेदार ये बात है कि यहां पे लोग सवाल नहीं उठाते, यहां पर लोग भाई मिलकर आंदोलन नहीं करते, मतलब इलीगल काम हो रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा, या तो उनको समझ में नहीं आ रहा, या समझ में आ रहा है तो जैसे अब आपको तो पता है आपने आवाज भी उठाई लेकिन कुछ करा नहीं, मतलब या कुछ कर नहीं पाए हम। तो इस तरीके की जो समस्याएं होती है मतलब ना, वो मुझे लगता है कि जब तक हम ज्यादा से ज्यादा आपस में बैठ के चर्चा ना करें, ज्यादा से ज्यादा चर्चा ना करें, समझे नहीं, एक मत ना बनाए, उसके लिए कोई लड़ाई ना करें, तब तक वो समस्याएं हल नहीं होती और कंफ्यूजन रहता है। अभी वो उत्तराखंड की बात कर रहे थे कि वो लड़कियां ही नहीं पैदा हो रही कई महीनों से, तो अच्छी वो गरीब मतलब प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये ऐसा है कि जो प्रॉब्लम यहां है वो देश के और हिस्सों में भी है और जो देश के और हिस्सों में भी है वो यहां पे है। मेरा जो आप लोगों के पास खास मुझे अपना काम समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम लोगों को कैसे लामबंद करें अपने साथ, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक हम नहीं उनको जोड़ेंगे कुछ नहीं होने वाला। मैं समझता हूं कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इसमें भेदभाव मतलब आपस में नहीं है, सब लोगों को जुड़ लेता है शिक्षा की, और हर एक घर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके अंदर बच्चों को स्कूल नहीं जाता होगा कोई ना कोई। और आप देखिए हम दिल्ली की बात करते हैं, बाहर की बात नहीं करते, फिलहाल दिल्ली में जो शिक्षा का हालत है वो अच्छी नहीं है।
आप देखिए जो फंडामेंटल इश्यूज है यहां पर शिक्षा के ऊपर, अगर आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं वहां पे वास्तविक तौर पर पढ़ाई होती नहीं है। छठी सातवीं आठवीं तक का बच्चा है जिसको आज भी दिल्ली के स्कूलों में आ जाए जिसको अपना नाम नहीं लिखता था। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं तो पढ़ाई क्यों नहीं होती है। अभी कम से कम दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में आप समझिए 20,000 टीचर की कमी है, 20,000 टीचर की कमी है। और अभी इन्होंने क्या किया है, जो टीचर का एलोकेशन करते हैं हर साल कि भाई इतने टीचर और भर्ती कर रहे हैं, इस साल इन्होंने वो टीचर की संख्या ही घटा दी है बजाय पढ़ाने के, और संख्या घटा दी है। यहां पर देखिए आप, हम लोग चर्चा नहीं करते हैं लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आपने एक एक्सीलेंट स्कूल को बना दिया कितने बच्चों के लिए, 10,000-15,000 बच्चों के लिए, लेकिन जो 16,000 या 25,000-25 लाख बच्चे जो और हैं उनके लिए एक्सीलेंट स्कूल कब बनेगा। तो ये जो एक तरीके से भेदभाव का ढांचा है, ये भेदभाव का ढांचा है क्योंकि एक बच्चे के ऊपर आप 10,000 रुपए महीने में खर्च करते हैं और जो दूसरा बच्चा है, जो आम बच्चा है, आम स्कूल में जाता है, उसके ऊपर 1,000 रुपया खर्च करते हैं। क्या उसका हक नहीं बनता कि उसके ऊपर भी उतने पैसे खर्च करो जितने आप ऊपर करते हो। तो ये ढांचा डिस्क्रिमिनेटरी ढांचा है, जो भेदभाव वाला ढांचा है, ये हमें भ्रमित कर रहा है। जब वहां सीटें निकलती है तो हम लोग सब भागते हैं कि हमारे बच्चे को दाखिला हो जाए, और दाखिला तो सबको होता नहीं क्योंकि गिनती की सीटें होती है। तो जो लोगों को नहीं एडमिशन मिलता, क्या वो विरोध करते हैं, क्या वो आवाज उठाते हैं कि भाई आप हमें क्यों नहीं इसमें दाखिला देते। तो वो सोचते हैं कि शायद ये ढांचे के अंदर हमें इतना ही मिलना है इसलिए ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि शिक्षा के जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर अगर हम एक एक घर में लोगों से बातचीत करें और उसको जोड़ें तो मुझे लगता है कि हम लोग काफी जनता को लाभान्वित कर सकते हैं। अभी आप देखिए दिल्ली के अंदर ही आप हैरान होंगे, कम से कम 10 से 15 लाख बच्चे जो स्कूल की उम्र के हैं वो स्कूल से बाहर है। और सरकार ने इस तरीके के अपने ढांचे बना रखे हैं कि कोई ना कोई बहाना लगा के उनको जो है दाखिले मना करते हैं क्योंकि उनके पास ढांचा भी नहीं है। अभी आपको बताऊं, यमुना बिहार के इलाके के अंदर कम से कम 50,000 बच्चे 47 गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं जिनका या तो 2 घंटे रोज पढ़ाई होती है या 1 दिन छोड़कर 1 दिन बुलाया जाता है और पूरा साल इसी में गुजर गया। कहां है आवाज, कौन चिल्ला रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं दिल्ली मॉडल है, ऐसे दिल्ली मॉडल में ऐसा होगा कि क्लास के अंदर सिर्फ स्कूल के अंदर 2 ही घंटे की पढ़ाई होगी, ऐसा मॉडल होगा क्या, इसको मॉडल कहते हैं क्या। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा को लेकर, और शिक्षा में इतनी बुनियादी मुद्दे हैं कि जब हम किसी के घर में जाके बैठकर बात करेंगे शिक्षा को लेकर तो आप देखेंगे कि कितना समस्या है लोगों के लिए। बच्चों के पास पैसे नहीं है किताबें खरीदने के लिए, बच्चों के पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए, निजी स्कूलों में किस तरीके से लूट हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पेरेंट निजी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं उनकी भी बहुत समस्याएं हैं, कहां कहां खुदकशी हो रही है कि फीस को लेकर खुदकशी हो रही है कि फीस नहीं दे पाए, बच्चों में खुदकशी हो रही है। तो मैं समझता हूं कि हमें एक एक घर में जाकर, उसका बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में जाता हो चाहे नहीं जाता हो, चाहे प्राइवेट स्कूल में जाता हो या प्राइवेट कॉलेज में जाता हो या सरकारी कॉलेज में जाता हो, उनके साथ बैठ के हमें शिक्षा पे बात करनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे, विश्वास जीतेंगे तो फिर हम अपनी पार्टी की लाइन जो भी बात कर सकते हैं उनसे, उनको बता सकते हैं मार्क्सवाद क्या होता है, ये सब कैसे हम किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन दोनों मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका क्या मकसद है, हमें क्या उम्मीदें उनसे हो रही है। 5 अप्रैल को एक बड़ा जो है जंतर मंतर के ऊपर एक बहुत बड़ा डिमोन्स्ट्रेशन है, बहुत सारी बातें कर सकते हैं लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है वो है कि उनका विश्वास जीतना, वो हम पर भरोसा करें। आज आम आदमी का किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, वो भरोसा जब तक हमारे पास नहीं होगा वो हमारी बात नहीं सुनेगा।
तो इसलिए भरोसे। दूसरा ये कि हेल्थ का इश्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसा आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ, तो अगर हम उसके साथ हेल्थ की भी बात करें और हेल्थ के लिए भी लड़े। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि राइट टू हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जो है आप कहते हैं कि 50,000 रुपए का खर्चा है, तो सरकार कहती है हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, और वहां पता लगता है कि आपका कोई राइट ही नहीं है। तो ये जो लोगों की प्रॉब्लम्स है शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर, मुझे लगता है कि ये दो ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनसे हम एक लोगों से बात करें तो हम जुड़ सकते हैं। तो मेरा मकसद मेन आज यही है कि आप लोगों को ये मैं कहूं कि हम किस दिन, मैं भी चलने के लिए तैयार हूं आपके साथ, जब आप कहेंगे मैं भी आपके साथ एक एक घर चलने के लिए तैयार हूं और लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हूं। तो आज अच्छा लगा कि सब लोगों ने अपने मन की बात करी, चाहे वो हमारे फैक्ट्री में काम करने वालों ने बोला कि अगर 2 मिनट लेट हो जाओ तो फैक्ट्री से बाहर कर देते हैं, और जो तनख्वाह है महिलाओं को 5-6 हजार रुपये महिला औसतन पे मिल रही है, और आदमियों को औसतन जो है 6-7-8 हजार मान लो, लेकिन आज दुनिया में कितना है 17,000 के करीब है अनस्किल्ड वर्कर, एक तिहाई भी लगभग नहीं मिल रहा है, और उस पर कोई शोर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब बुनियादी मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज इसको मैं दोबारा कह रहा हूं कि हम लोगों से जाके शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खासकर बात करें, उनके बच्चों से दोस्ती करें, उनके पेरेंट्स से दोस्ती करें, उनकी अगर दाखिले नहीं होते तो उनके साथ खड़े होकर इसको लड़ाई करें, उसमें हम कोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि भाई ये जो है दाखिला नहीं दे रहा स्कूल वाला, तो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं उसके लिए। तो जब हम वास्तविक तौर पर उनको डिलीवरी करेंगे, जब उनके साथ खड़े होकर हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जिससे उनको लगेगा कि हाँ कुछ हो सकता है, तो यही लामबंद होते हैं, ऐसे ही लोग जुड़ते हैं। तो मैं यही बात अपनी खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं, और मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा लगा सब लोगों ने अपना लगभग अपनी बात तो कहा है, और इस ये सड़क के किनारे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, शुक्रिया।